स्किन अच्छी लगती है ना तो पिक्चर्स एकदम बढ़िया वाले मस्त मस्त आते हैं। उसके पास चिन के पास थोड़ी सी पोर्स मुझे क्लॉग लग रहे हैं एंड पिंपल्स भी छोटे छोटे आ रहे हैं। काजल वाजल जो मैंने लगाया था ना वो सारा इससे अच्छे से रिमूव हो गया है। जो नेल्स हैं बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ तो बिल्कुल एकदम टूट गया है। जो टैन था ना और जो अनइवन स्किन टोन थी वो इससे ठीक हुई, आप देख सकते हो। आपको आई एम श्योर हंसी आ रही होगी कि मैं स्टीम आयरन से कैसे अपने फेस पे स्टीम देती हूँ। ऑन कर लेती हूँ, यौन ही नहीं हो रहा है। कुछ सुंदर दिखने के लिए कुछ 4-5 मिनट के लिए भूत भी बनना पड़े तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। ओके, सो इसमें एक्चुअली ये ग्लव्स बने हुए हैं। हाय गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा रैंडम क्योंकि आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली स्किन केयर रूटीन जो कि रेगुलर स्किन केयर रूटीन से थोड़ा सा हटके होता है। जो अपना रेगुलर स्किन केयर रूटीन होता है, एवरीडे स्किन केयर रूटीन होता है जिसमें क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन या फिर कभी कभी मैं एक्सफोलिएट करती हूँ अपनी स्किन को, वो तो चलता ही रहता है ऑलमोस्ट रोज़ या फिर ऑल्टरनेट डेज पे। लेकिन जो एक्सटेंडेड स्किन केयर रूटीन होता है जिसमें 9-10 स्टेप्स होते हैं वो रोज़ करना पॉसिबल नहीं होता, ऑफकोर्स किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। तो ये मैं करती हूँ हफ्ते या 15 दिन में एक बार। एक्चुअली कल हम लोग निकल रहे हैं वेकेशन के लिए, सो आई थॉट कि चलो यार एक ग्रूमिंग सेशन हो जाए, अपनी स्किन को अच्छे से पैम्पर करते हैं बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, 10-20 डेज हो गए हैं मुझे अपनी अच्छे से स्किन केयर रूटीन की हुए बिकॉज स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। सो आई थॉट कि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, वैसे पैकिंग करने वाला काफ़ी अभी सामान है बट थोड़ा सा टाइम है बीच में, तो मैंने सोचा कि चलो यार अपना स्किन केयर रूटीन कर लेते हैं बिकॉज मुझे लगता है जब हमारी स्किन अच्छी लगती है ना तो पिक्चर्स एकदम बढ़िया वाले मस्त मस्त आते हैं। एक्चुअली पिक्चर्स के लिए नहीं, हमारी स्किन वैसे भी क्लीन और हेल्दी रहनी चाहिए बिकॉज जब हमारी स्किन अच्छी लगती है, हेल्दी होती है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ना अलग ही होता है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। सो गाइज, इस पूरे प्रोसेस में ना कुछ 50-60 मिनट्स लग जाते हैं, लाइक 1 आवर। सो एक घंटे के अंदर अंदर मैं क्या क्या स्टेप करने वाली हूँ, स्किन के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चीज़ें मैं करूँगी एंड ये सब मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। सो आई थॉट टू फिल्म दिस होल वीडियो एंड शेयर विद यू गाइज बिकॉज आई डोंट थिंक सो मैंने इससे पहले कोई ऐसा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। सो आई थॉट कि चलो यार आज मैं अपना पूरा स्किन केयर रूटीन पैम्परिंग सेशन आपके साथ शेयर करूँगी सो दैट शायद आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिले। एक्चुअली आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट श्योर कि आपको ये पसंद आएगा ये नहीं आएगा, आपको ये हेल्पफुल लगेगा ये नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आए एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो ऐसे ही फालतू लगे। सो आई थिंक मुझे जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज और भी बहुत सारे काम करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले बालों में लगा लेते हैं बैंड और फिर करते हैं अपना प्रोसेस शुरू। मेरी यूजुअली जो स्किन है ना वो ड्राई रहती है यहाँ पर बिकॉज क्लाइमेट ऐसा है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली मुझे फील हो रही है एंड थोड़े पोर्स ही मुझे क्लॉग लग रहे हैं एंड अब देख सकते हो यहाँ पर पिंपल्स भी आ रहे हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ। सो मेरी उस टाइम जैसी स्किन कंडीशन होती है ना उसी को देखकर मैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी मैं DIY यूज़ करती हूँ अपनी स्किन को देखकर यूज़ करती हूँ कि उस टाइम मेरी स्किन को क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है मेरी स्किन को। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो क्लिनजिंग करनी है मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करूँगी, मैं DIY क्लिनजर यूज़ करूँगी और सबसे अच्छा जो क्लिनजर मुझे लगता है वो होता है रॉ मिल्क। कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो थोड़ा सा आपको मैं बीच में ज्ञान भी दे रही हूँ। कच्चा दूध शायद कुछ लोगों को सूट नहीं करता, जिनको सूट नहीं करता वो अवॉइड करिए, बट जिनको सूट करता है ना दिस इज़ द बेस्ट क्लेंजर इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू गाइस। मैं जल्दी से अपना क्लेंजर रेडी कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो मेरा क्लेंजर हो गया रेडी और अब मैं इसे एक कॉटन पैड की हेल्प से अपने फेस पे लगाऊंगी यानी कि क्लेंज करूंगी। जब भी आप कुछ भी अपने फेस पे लगाते हो ना गाइस, बस इस बात का ध्यान रखो कि अब वो आप अपने नेक तक लेके जाओ, यहाँ तक। मुझे ये चेन निकालना चाहिए था जो कि मैं भूल गई निकालना, अभी निकाल दूँगी। तो यहाँ तक आपको जो भी आप लगा रहे हो, क्लेंजर लगा रहे हो, फेस वॉश लगा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो ना, वो आपको यहाँ तक लेके जाना चाहिए। कुछ लोग ना सिर्फ फेस पे लगा देते हैं बट यहाँ नेक एरिया को भूल जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल मत करिए। इट फील्स रियली गुड। तो आई थिंक मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया है और ये काजल वाजल जो मैंने लगाया था ना वो सारा इससे अच्छे से रिमूव हो गया है। माय क्लेंजिंग इज़ डन एंड नाउ आई एम गोना डू एक्सफोलिएशन बिकॉज एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए बिकॉज डेड सेल जब एक्युमुलेट हो जाते हैं ना हमारी स्किन पे तो ग्लो वगैरह सब उड़ जाता है, गायब हो जाता है, तो उन्हें ना रिमूव करना, अपनी स्किन से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मुझे DIY यूज़ करना चाहिए आज या फिर मैं जो यूज़ करती हूँ रेगुलर जो स्क्रब है वो यूज़ करूँ। आज मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो आई थिंक मुझे DIY यूज़ करना चाहिए।
सो गाइस मेरा स्क्रब भी हो गया है रेडी और आज मैंने ना बेसन और लेमन जूस के साथ अपना स्क्रब बनाया। एक्चुअली मैं चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर यूज़ करती हूँ एक्सफोलिएशन के लिए, बिकॉज उससे ना बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है फेस की और फेस बहुत अच्छा ग्लो करता है। थोड़ा सा ड्राइंग होता है बट उसके बाद अगर मॉइस्चराइजर लगा लो ना तो फिर सही रहता है एकदम। तो आज मैंने ना बेसन यूज़ किया, आटा भी था मेरे पास लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार बेसन का यूज़ करते हैं, बिकॉज बेसन ना बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, एक्सफोलिएशन भी करता है, स्क्रब भी करता है और फेस पैक का काम भी करता है। इसे लगा लेती हूँ अपने फेस पे, बट उससे पहले मैं अपनी चेन रिमूव कर लेती हूँ। यस दिस इज इम्पोर्टेंट। सो मुझे ना डी आई वाई बहुत अच्छे लगते हैं एंड आपके साथ मैं शेयर भी करती रहती हूँ। और आप में से कितने लोगों को डी आई वाई पसंद है, कितने लोगों को जस्ट रेडीमेड जो चीज़ें होती हैं वो लगाना पसंद है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। बिकॉज़ कुछ लोगों को लगता है कि जो डी आई वाई होते हैं ना बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, कौन बनाएगा, बहुत ज़्यादा झंझट होता है फिर लगाना, तो मार्केट वाला ईजी रहता है, फटाफट से लगाओ और काम ख़त्म। आई डोंट नो वाई बट मुझे अपने फेस पर थोड़ी थोड़ी ना टैनिंग भी लग रही थी, तो मैंने इस में बेसन में थोड़ा सा कर्ड भी ऐड कर दिया था। टैनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है एंड अनइवन स्किन टोन अगर आपकी है तो आप लगा सकते हैं कर्ड को, एंड वैसे भी आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट कर देता है। लेमन जूस अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पैक मेरा अच्छे से लग गया है, आई थिंक इवनली मैंने लगा लिया है और अब मैं इसे कुछ 5 से 7 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसे अच्छे से स्क्रब करके निकालूंगी। आई थिंक जब तक ये फेस पैक ड्राई हो रहा है तब तक हमें टाइम को यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक येस मुझे ना अपने नेल्स क्लीन कर लेने चाहिए, मुझे नेल पेंट रिमूव करना है और उसके बाद मुझे नेल्स को फाइल भी करना है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ क्योंकि इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो मैं जल्दी से नेल पॉलिश रिमूवर लेकर आती हूँ। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो गाइज मेरे पास नेल पेंट की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, आई थिंक मेरे पास कुछ 20-25 नेल पेंट्स तो होंगे, बट मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाती हूँ बिकॉज मुझे ना बहुत ज़्यादा झंझट लगता है नेल पेंट लगाना। नेल पेंट लगाओ फिर उसको रिमूव करो और फिर जब ऐसे थोड़ा थोड़ा ये चिप हो जाता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो अगर थोड़ा सा भी निकल जाता है ना नेल से तो मैं पूरा इसको रिमूव कर देती हूँ, और जब भी मुझे कोई वीडियो शूट करना होता है ना तभी मैं नेल पेंट्स लगाती हूँ, अदरवाइज मुझे नेल पेंट्स लगाना उतना पसंद नहीं है ऑनेस्टली। सो यूजली मैं नेल्स को क्लीन करके फाइल करके ना जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आता है ना वो मैं लगा देती हूँ, उसकी कोटिंग कर देती हूँ, तो नेल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुछ आधे नेल जो हैं छोटे हैं कुछ बड़े हैं, एक्चुअली मेरे नेल्स के साथ ना प्रॉब्लम है, मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं तो थोड़े से ग्रो करते हैं, थोड़े से बढ़ते हैं और फिर टूट जाते हैं, तो अभी आप देख सकते हो कुछ जो नेल्स हैं बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कुछ तो बिल्कुल एकदम टूट गया है, ऐसे ही अनइवन से होते हैं मेरे नेल्स, जो कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता है बट आई हैव नो ऑप्शन। मेरा मास्क ड्राई हो गया है और अब मुझे इसको ना अच्छे से अपना फेस स्क्रब कर लेना चाहिए। क्लेंजर यूज़ किया था ना मिल्क वाला, उसमें थोड़ा सा मैंने अपना हैंड्स को डिप किया है और उसके बाद मैं अपना फेस को स्क्रब कर रही हूँ। आप स्क्रब करते हो ना या मॉइस्चराइजर लगाते हो कुछ भी करते हो, आपको ऐसे ऊपर की तरफ रख के अपनी स्किन को हमेशा रब करना होता है, या फिर सर्कुलर मोशन में आप कर सकते हो इस तरह से, आपको नीचे की तरफ नहीं करना है, ऐसे नीचे की तरफ आपको बिल्कुल भी अपनी फिंगर्स को मूव नहीं करना है, हमेशा ऊपर की तरफ या फिर सर्कुलर मोशन में। दही और जो नींबू का कंकॉक्शन है ना वो जो बनके रेडी हुआ है ना उसकी वजह से ये थोड़ा सा ना चिपचिप है, स्टिकी आप देख सकते हो, तो स्क्रब करने के लिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि राइस फ्लावर में थोड़ा सा रोज़ वाटर अगर मैं मिक्स कर लेती, एक्चुअली बस राइस फ्लावर था ही नहीं आज ख़त्म हो गया था, बट ठीक है कोई नहीं, बेसन भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो मैं बस अब जल्दी से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। ओह मुझे लगता है इस गर्मी में ना अगर आप लोग सिर्फ अपना फेस वॉश कर लेते हो ना ठंडे पानी से, इट फील्स सो गुड। चेक करते हैं कि स्किन में कोई डिफरेंस आया ये नहीं। डिफरेंस तो आया है नो डाउट, फेस पैक थोड़े से ड्राइंग होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, बट इसमें मैंने कर्ड ऐड किया था तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग ये मुझे नहीं लग रहा है, स्किन मेरी ठीक ही लग रही है, बट कॉम्प्लेक्शन आप देख सकते हो गाइज, आप बिफोर एंड आफ्टर जो है ना वो आप जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तब भी आप नोटिस करेंगे, मुझे तो एटलीस्ट नज़र आ रहा है, आई डोंट नो कैमरा पे कितना आपको समझ में आ रहा है। टैन था ना और जो अनइवन स्किन टोन थी वो इससे ठीक हुई, आप देख सकते हो, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है या नहीं कैमरा पे, बट ऐसे मुझे
अगर मैं खुद को देखूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना फेस। चलिए ये वाला स्टेप हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। और अब मैं अपने फेस पे थोड़ी सी स्टीम दूंगी, बिकॉज स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी स्किन के लिए। लाइक 10-15 दिन में आपको एक बार स्टीम ज़रूर देनी चाहिए, इससे जो पोर्स होते हैं ना आपके, जो क्लॉक पोर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो स्टीम देना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस पतीले में थोड़ा सा पानी गर्म करिए और जस्ट टॉवल रखिए और आपके फेस को अच्छे से स्टीम मिल जाएगी। या फिर बेस्ट है कि आप स्टीमर रख लीजिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टीम देते हैं अपने फेस पे। तो यू नो गाइज, मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ ये। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, ये एक्चुअली है स्टीम आयरन। आपको आई एम श्योर हंसी आ रही होगी कि मैं स्टीम आयरन से कैसे अपने फेस पे स्टीम देती हूँ। जब मैं करूँगी ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बटन प्रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ से आएगी स्टीम और मैं अपने फेस पे स्टीम दूंगी इससे। तो इससे ना गाइज, आप अपने फेस पे भी स्टीम दे सकते हैं एंड अपने बालों पे भी स्टीम दे सकते हैं। जैसे आप हेयर स्पा करते हैं ना, अपने हेयर के लिए, अपनी स्किन के लिए, मैं दोनों के लिए इसे यूज़ करती हूँ। एक्चुअली हमने इसे ख़रीदा था कपड़े आयरन करने के लिए, बट कपड़े आयरन करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा इसका यूज़ नहीं लगा, बट इसके लिए एकदम सही है ये। कपड़े आयरन करना इसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट नहीं बट इसका जो ये टैंक है ना बहुत छोटा है, तो इसे बार बार फिल करना पड़ता है। सॉरी, तो बहुत ज़्यादा जब कपड़े होते हैं ना तो ये यूज़फुल नहीं है, तो हमने एक दूसरी आयरन ख़रीद ली है और इसे मैं अब सिर्फ स्टीम देने के लिए यूज़ करती हूँ। एक से दो मिनट तक मैं स्टीम दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपको अपने फेस पे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा स्टीम नहीं देनी चाहिए, वो भी ख़राब होता है। तो आई थिंक 2 मिनट हो चुके हैं। यस, वहाँ मेरी क्लॉक है बाय द वे। तो बस गाइज, यही मेरे जुगाड़ है और इसी से मैं काम चला लेती हूँ। अब आप ये मत सोचना कि ये स्टीम आयरन है तो ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होगा या ऐसा होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होता है इससे। मैं काफ़ी टाइम से इसी से स्टीम दे रही हूँ और आपको लगता है कि मेरी स्किन ख़राब हुई है, नहीं हुई है ना। तो अब इमीडिएटली मैं क्या लगाऊंगी इसके बाद, टोनर। तो टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लोटस हर्बल्स यूथ RX टोनर, ये मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो इसे मैं इसे मैं एक बार नहीं लगाऊंगी, इसे मैं कुछ 3 से 4 बार लगाऊंगी। पहले इसे अच्छे से ड्राई करूंगी एंड उसके बाद मैं इसकी 3 लेयर्स और लगाऊंगी। इससे ना स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है एंड टोनर जो है उससे आपकी स्किन का पीएच बैलेंस भी मेंटेन होता है, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अनदर लेयर। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सबको टोनर लगाना चाहिए, टोनर लगाना चाहिए, दैट इज़ ओके, इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपको सूट नहीं करता है ना तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज कुछ लोगों को ना टोनर लगाने के बाद उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई फील होती है, कुछ लोगों को पिंपल्स भी आते हैं, कुछ लोगों को एक्ने हो जाते हैं, आई डोंट नो फॉर डिफरेंट रीजंस। फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव हैं, वो अक्सर ही बोलते हैं कि हम लोग जब टोनर लगाते हैं तो उनको टोनर सूट नहीं करता है। आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको सूट नहीं करता है तो प्लीज़ आप मत लगाइए, बट मुझे अच्छा लगता है टोनर लगाना, स्पेशली समर्स के लिए तो मुझे बेस्ट लगता है। एंड मैं टोनर कभी स्किप नहीं करती हूँ, मैं मॉर्निंग इवनिंग स्किन के रूटीन में टोनर यूज़ करती ही करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टोनर लगाना। तो मेरी 3 लेयर्स हो चुकी हैं, अब लास्ट में लेयर लगाने वाली हूँ। ओके, नाउ टोनर इज़ डन एंड अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, मैं शेव करूँगी, बिकॉज मुझे आई थिंक शेव किए हुए ना, फेस शेव किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ 15-20 डेज हो गए हैं। तो वैसे ज़्यादा मेरे फेस पे ज़्यादा बाल नहीं हैं, बस यहाँ पर फोरहेड पे एंड यहाँ पर लिप्स के पास और यहाँ पर थोड़े थोड़े हेयर हैं, तो इसे मैं रिमूव करूँगी। यूज़ दो मैनुअल जो रेजर्स आते हैं वो, जिसका मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। और कई बार मैं ना ये जो एपिलेटर्स आते हैं ना इस तरह के, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, अटैचमेंट्स होते हैं इसमें, तो इससे आप अपना फेस शेव कर सकते हो। और पीछे इस तरह का ये USB जो है, चार्जिंग पॉइंट है, तो इससे आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। सो मैं इसे ऑन कर लेती हूँ। यौन ही नहीं हो रहा गाइज, आई थिंक मैंने इसे चार्ज पे लगाया था कल, काफ़ी टाइम मैंने इसे चार्ज पे लगाया था बट ये चार्ज नहीं हुआ है, बिकॉज जब इसे ऑन करते हैं ना तो इसमें से एक ऐसे एक साउंड सी निकलती है, तो इट मीन्स कि ये स्टार्ट हो गया है बट इसमें से कोई साउंड मुझे अभी नहीं आ रही है, तो आई थिंक ये चार्ज नहीं हुआ है अच्छे से, तो मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगी। आई थिंक मुझे वही अपना जो रेज़र होता है मैनुअल वाला, वही यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से वो लेकर आती हूँ। आई एम बैक विद दिस
एंड आई थिंक टाइम पर ना ये सस्ती चीज़ें काम आती हैं, जितने भी महंगे प्रोडक्ट्स आप खरीद लो ना, चार्जिंग नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, बहुत सारे झंझट होते हैं, तो इसी से काम चलाते हैं आज। फोरहेड पे यहाँ साइड साइड पर है एंड आईब्रोज़ के नीचे है, बट आई थिंक मुझे आईब्रोज़ बाहर से ही थ्रेडिंग करानी पड़ेगी, जो कि मैं शाम को जाऊँगी अगर मुझे टाइम मिलता है तो आईब्रोज़ को मैं बिल्कुल भी टच नहीं करने वाली हूँ आज, बस थोड़े से जो यहाँ पर बाल हैं साइड पर और नीचे नीचे चिन के पास जो बाल हैं वही मैं निकालूँगी। एंड येस, अगर आपने जो फेस शेविंग का मैंने जो वीडियो शेयर किया था आपके साथ डिटेल में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखना, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। अगर आपको डर लगता है फेस शेव करने से, आपको लगता है कि शेव करने से हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, आपके सारे जो शक होंगे, डाउट्स होंगे, जो क्वेरीज होंगी ना वो दूर हो जाएंगी। एंड शेव करते करते ना मैंने जस्ट अपनी आईज़ को ध्यान से देखा, मेरी आईज़ कितनी ज़्यादा पफ़ी लग रही है ना आज, येस बहुत ज़्यादा पफ़ी लग रही है। एक्चुअली रात को ना सोने में थोड़ा सा लेट हो गया था एंड नींद मेरी पूरी नहीं हुई है, कल 2:30 बज गए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था, कुछ वीडियो का काम था, देन एडिटिंग करनी थी, पैकिंग करनी थी और बहुत छोटे छोटे काम थे, सोने में काफ़ी लेट हो गया और इस वजह से मेरी जो आईज़ है ना काफ़ी पफ़ी हो गई हैं, इनका भी कुछ करना पड़ेगा मुझे, देखती हूँ। ओके, नाउ शेविंग इज़ डन एंड गाइज, शेव करते करते ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरी जो नोज़ के पास बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं वाइट हेड्स मुझे नज़र आए और कुछ कुछ जगह पे ना ब्लैक हेड्स भी हैं और यहाँ चिन के पास भी, ऑल्दो स्टीम करते करते एंड स्क्रब करके काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, पहले बहुत ज़्यादा लग रहे थे बट अभी बिल्कुल थोड़े थोड़े से हैं, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसे क्लीन करने के लिए मैं चारकोल मास्क लगाती हूँ, बिकॉज चारकोल मास्क ना बहुत अच्छा रहता है, अगर आपको वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं और पोर्स ना क्लॉग हो गए हैं तो चारकोल मास्क बहुत अच्छे से वो क्लीन कर देता है, तो मैं जल्दी से वो लगा लेती हूँ। सो चारकोल मास्क जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये वाला पील ऑफ मास्क और ये बहुत अच्छा चारकोल मास्क है, तो मैं इसे फटाफट से लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी बाद में इसे रिमूव करने के बाद ये कितने अच्छे से आपकी जो फेस की गंदगी है ना उसको निकालता है। अगर आपके पास ना इस तरह का रेडीमेड चारकोल मास्क नहीं है तो आप घर पे भी DIY कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास कोई भी रेगुलर पील ऑफ मास्क है या फिर आपके पास अगर जेलेटिन है जो आप लोग जेलीज बनाने के काम आती हैं जेलेटिन, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। एक्टिवेटेड चारकोल लीजिए थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा वो आप मिक्स कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा चारकोल मास्क रेडी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है इस मास्क की वही मैंने लगाया है, अपने पूरे फेस पे नहीं लगाया है, पूरे फेस में मुझे ज़रूरत थी भी नहीं बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी फेस पैक सब कुछ लगा लिया था, बट नोज़ और चिन का जो एरिया होता है ना ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव एज इन इसमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं और ऑयल वगैरह भी प्रोड्यूस होता है, इसी के लिए मैं चारकोल मास्क यूज़ करती हूँ। ऑनेस्टली गाइस, जब मैं इस तरह से ये मास्क लगाती हूँ ना नोज़ पे, चिन पे, तो इतनी ज़्यादा मुझे हंसी आती है ना, बिल्कुल भूत लगती हूँ मैं, एंड इट लुक सो वियर्ड, बहुत ज़्यादा फनी लगता है, बट इधर दिखने के लिए कुछ 4-5 मिनट के लिए भूत भी बनना पड़े तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। मास्क लग गया है अच्छे से, अब मैं इसे कुछ 10-15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक पूरा ये ड्राई हो जाता है, बिकॉज जब तक पूरा ड्राई होगा तभी आप इसे पील ऑफ कर सकते हैं। नाउ इट्स कम्प्लीटली ड्राई, यू कैन सी, एंड नाउ आई एम गोना पील इट ऑफ, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम नोज। मैं निकलता नहीं, वैसे आज तो काफ़ी अच्छे से निकल गया, बस कुछ कुछ पैचेस में ना ये थोड़ा सा रह जाता है, तो इसे वेट टिश्यू लेकर हम क्लीन कर सकते हैं इजीली। यू कैन सी गाइस, पूरा मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया है एंड चारकोल मास्क ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद है, मैं तो अक्सर लगाती हूँ, आई थिंक 10-15 डेज में एक बार मैं लगा ही लेती हूँ एंड इसके बाद ना स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, आपके पोर्स काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, जो क्लॉग पोर्स होते हैं ना वो
एकदम साफ़ कर देता है ये चारकोल मास्क। तो अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो आपको एक बार यूज़ करके देखना चाहिए, इट्स रियली गुड। ओके गाइस, नाउ आई थिंक स्किन को क्लीन करने वाले जितने भी स्टेप्स थे ना वो मैंने सारे फिनिश कर लिए हैं, पोर्स अच्छे से क्लीन हो गए हैं, स्किन काफ़ी अच्छे से क्लीन लग रही है मुझे। अब थोड़ा सा इस पर ग्लो लेकर आते हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये शीट मास्क, दिस इज़ फ्रॉम पिक्सी और ये एक ग्लो मास्क है और इस पर लिखा भी है इंस्टेंट ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेटिंग इफेक्ट शीट मास्क। तो इस मास्क से ना आपके फेस पे ग्लो आता है एंड ऑल्सो ये हाइड्रेट भी करता है अच्छे से। वैसे हाइड्रेशन की मुझे इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से मुझे सॉफ्ट और प्लम्प लग रही है, बट इससे आपके फेस पे ना ग्लो आता है। तो इस मास्क को मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने एक्चुअली इसका पैकेट लाया था जिसमें तीन मास्क होते हैं, तो दो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, ये लास्ट वाला है तो इसे मैं आज लगाती हूँ। एंड इसमें ना ग्लाइकोलिक एसिड, जिनसेंग, विच हेज़ल जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एंड पिक्सी जो ब्रांड है ना ये बहुत अच्छा माना जाता है सीरम्स में, शीट मास्क में एंड इनके बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट इट्स वेरी गुड। शीट मास्क की ना सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि ये एक तो बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को और दूसरा फेस पे ग्लो लेकर आते हैं एंड हाइड्रेशन भी ना काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी जो स्किन है काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड फील होती है इसे लगाने के बाद। अगर मॉइस्चराइजर और सीरम लगा रहे हो ना तो थोड़ी देर में आपको टचअप देना पड़ेगा, बट अगर आप शीट मास्क लगाते हो ना तो काफ़ी टाइम तक आपकी स्किन काफ़ी प्लम्प आपको फील होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसे मैं बहुत ही केयरफुली लगाती हूँ बिकॉज सीरम इसका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज यही सीरम है जो आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट करेगा एंड आपके फेस पे ग्लो लेकर आएगा। जो फेस है ना वो काफ़ी बड़ा है तो जो भी मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ ना वो मेरे पूरे फेस को कवर नहीं करता है। मैं कोई भी शीट मास्क यूज़ कर लूँ, अब देख सकते हो यहाँ से कवर नहीं हुआ है, फोरहेड कवर नहीं हुआ है। तो जिनका छोटा फेस है ना उनके लिए शीट मास्क ठीक रहते हैं, बट मेरा फेस कवर नहीं होता है, बट इट्स ओके जितना भी जा रहा है। आई एम गोना लीव दिस फॉर 10-15 मिनट्स एंड उस बीच मुझे लग रहा है कि मैं अपने हाथों का भी कुछ कर लेती हूँ। सो गाइस, मेरे पास ना एक हैंड मास्क है जो कि आई थिंक मैं 10-15 डेज पहले लेकर आई थी, ये मुझे वॉलग्रीन से मिला था। तो ऐसी मैंने कभी कोई चीज़ नहीं देखी थी पहले और ना ही मैंने कभी यूज़ की है लाइक हैंड मास्क टाइप ऑफ समथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे यूज़ करने के लिए और मेरे ना हैंड्स काफ़ी ड्राई मुझे ऑलरेडी फील हो रहे हैं। तो आई थिंक जब तक ये शीट मास्क मेरे फेस पर है तब तक मैं अपना हैंड मास्क भी लगा लेती हूँ एंड इसमें ना पूरे स्टेप्स भी दिए हैं कि इसे कैसे कैसे लगाना है। वैसे तो इट्स वेरी सिंपल, 10 मिनट्स तक ही आपको इसे लगाना है। तो चलिए लगा कर देखते हैं इसको, देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है कुछ हैंड्स में होता है इसे लगाने के बाद या नहीं। अवीनो रिपेयरिंग सीका हैंड मास्क इनरिच विद प्रीबायोटिक ओट एंड शिया बटर। इसमें एक्चुअली ये ग्लव्स बने हुए हैं तो इन ग्लव्स को हमें अलग अलग कट कर लेना है और फिर हमें इसे पहन लेना है। शीट मास्क के अंदर सीरम होता है ना, तो इसके अंदर भी कुछ सीरम टाइप का है। इसे मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी और इसे मैं रखूँगी 15 मिनट्स के लिए एंड उसके बाद मिलते हैं। ऑल राइट गाइज, नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द मास्क एंड यू नो शीट मास्क को तो 15 मिनट रखना था बट इसको रखना था सिर्फ 10 मिनट, बट मैंने इसको भी 15 मिनट्स रहने दिया ये सोच कर कि मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रिमूव करती हूँ हैंड मास्क को क्योंकि इसको रिमूव करूँगी तभी तो इसको रिमूव कर पाऊँगी। तो ग्लव्स निकालने के बाद आई फील कि इसके अंदर ना एक काफ़ी थिक सीरम था, जैसे इस शीट मास्क के अंदर ना थोड़ा सा पतला सीरम होता है तो इसके अंदर थोड़ा सा जो सीरम की जो कंसिस्टेंसी थी ना वो थिक है, मुझे फील हो रही है अभी बहुत ज़्यादा क्रीमी है। तो इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ हैंड्स पे क्योंकि इस पर लिखा था कि जो सीरम होगा उससे अच्छे से मसाज करनी है, जो क्रीम है वो अच्छे से हमारे हैंड्स में एब्जॉर्ब हो जाए। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत गंदी है, लाइक कैसे बताऊँ आपको, जैसे लाइफ बॉय सोप होता है ना वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है और थोड़ी थोड़ी जैसे वो आलमंड होता है ना बादाम वो ख़राब हो जाता है लाइक बिटर आलमंड्स जैसे होते हैं वैसी भी इसमें स्मेल आ रही है, मतलब स्मेल इज़ नॉट गुड। जब मैंने ग्लव्स लगाए थे तो तब इतनी स्मेल नहीं आ रही थी बट जैसे जैसे मैं मसाज कर रही हूँ ना तो इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मुझे। फ़िलहाल के लिए तो मसाज करने के बाद मेरे हैंड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं जो कि आई थिंक अगर आप मसाज करते हो तो किसी भी क्रीम से तो हैंड्स आपके अच्छे ही लगते हैं, बट कितनी देर तक इसका असर रहता है वो तो टाइम ही बताएगा। तो चलिए अब जल्दी से शीट मास्क को रिमूव भी कर लेते हैं। ओके, सो शीट मास्क रिमूव हो गया है।
बट अभी मुझे क्या करना है, वेयर इज़ द पैकेट। सो जो पैकेट के अंदर सिरम होता है ना, उससे मुझे इससे अच्छे से मसाज करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माय गॉड, इसके अंदर लिटरली इतना ज़्यादा सिरम होता है ना कि आप फिर से इस शीट मास्क को यूज़ कर सकते हो, बट मैं फिर से यूज़ नहीं करूँगी उसको। मैं इस सिरम को अच्छे से अपने फेस पे पहले लगा लूँगी और उसके बाद मसाज करूँगी। एम्प्टी, आई थिंक हैंड्स की जगह मुझे कुछ टूल यूज़ करना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। सो आई गॉट माई जेड रोलर और अब मैं इससे मसाज करूँगी। ऑनेस्टली गाइज, जेड रोलर से मुझे मसाज करना ना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है दैट दिस इज़ माई फेवरेट टूल, और इससे मसाज करके ना सच में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। लाइक कई बार ना ऐसे लगता है कि आपकी स्किन को सच में फेस को मसाज की ज़रूरत है। इस तरह से मैं सीरम या मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं अच्छे से जेड रोलर से मसाज कर लेती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जैसे जैसे ये स्टोन घूमता है ना आपके फेस पे, तो सच में बहुत मज़ा आता है। एंड गर्मियाँ जैसे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कई बार मैं इसे फ्रिज में भी रख लेती हूँ और फिर उससे भी मसाज करती हूँ, बट आज फ्रिज में नहीं था, ये बाहर ही पड़ा था, बट स्टिल इट्स फीलिंग रियली गुड। जैसे आईज़ मेरी बहुत ज़्यादा पफ़ी हो गई हैं, तो इससे ना अच्छे से मसाज करो तो आईज़ की जो पफ़ीनेस है ना वो भी कम होती है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम हो गया था इसे भी यूज़ किए हुए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2-3 बार मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था तो मुझे टाइम नहीं लगा, तो पफ़ीनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है मेरी आईज़ की। जैसे आपको वर्कआउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से आपके फेशियल मसल्स की भी एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, तो इस तरह के टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी गाइज, मुझे इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट हुए हैं चलाते हुए एंड सिरम जो है बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है एंड मेरा फेस कितने अच्छे से ग्लो भी कर रहा है। सो जस्ट 1 मिनट मोर एंड देन आई एम डन। शीट मास्क लगाने के बाद ना लिटरली मेरी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड फील हो रही है एंड फेस पे ग्लो भी आया है, एटलीस्ट आई कैन सी दैट। एंड शीट मास्क लगाने के बाद ना आपको कोई सिरम मॉइस्चराइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज शीट मास्क सारे काम कर देता है। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है कि फिर सिरम मॉइस्चराइजर आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि शीट मास्क अपने आप में ही इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है एंड ग्लो भी आपके फेस पे लेकर आता है, तो और क्या चाहिए। सिर्फ 15 मिनट आपको देने हैं एंड शीट मास्क कैन डू एनीथिंग। उस टाइम बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई इन्विटेशन आ गया, आपको कहीं बाहर जाना है, कोई मैरिज फंक्शन अटेंड करना है, किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है एंड यू वॉन्ट टू लुक प्रेजेंटेबल, यू वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल, तो शीट मास्क आप लगा सकते हैं। कोई अच्छी क्वालिटी का शीट मास्क लीजिए एंड लगाइए, काफ़ी अच्छा रहता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है इसे लगाने के बाद। ऑल राइट गाइज, आई थिंक आई एम डन विद ऑल द स्टेप्स एंड मेरी जो स्किन है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। बस मुझे अभी लिप बाम लगाना है। सो लिप बाम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज ब्लॉसम लिप बटर। ये लिप बाम नहीं है, एक्चुअली लिप बटर है एंड ये बहुत अच्छा लिप बटर है गाइज। लाइक इसे मैं ना कुछ 15-20 डेज से यूज़ कर रही हूँ एंड लिप्स इसे इतने अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं। एंड दिस इज़ फ्रॉम बर्ड्स बीज, येस आई डोंट नो ये ब्रांड इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट ये मैंने लिया था वॉलग्रीन से एंड बहुत पसंद आया मुझे। एंड वन थिंग मोर गाइज, जो भी डी आई वाई से प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो के लिए यूज़ किए हैं ना वो हमेशा परमानेंट नहीं रहते हैं। लाइक हमेशा मैं यही प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन माई स्किन कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले मैं अपनी स्किन को देखती हूँ एंड जैसी उस टाइम रिक्वायरमेंट होगी, मेरी स्किन को उस टाइम क्या चाहिए होगा, उसी टाइप के मैं प्रोडक्ट्स या डी आई वाई जो भी होंगे मैं बनाती हूँ एंड यूज़ करती हूँ। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। गाइज मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करके मुझे नीचे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया है ये नहीं आया है। इस तरह के रैंडम चिट चैट काइंड ऑफ वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, लाइक मेरे लिए भी ये नया है। मैं यूजुअली अपनी वीडियोस में वॉइस ओवर ही करती हूँ, आपको पता है मैं इस तरह से कैमरा के सामने बोलना और सब कुछ करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है एंड थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है। आपको इस तरह के रैंडम चिट चैट वीडियोस अच्छे लगते हैं देखना, आपको पसंद आते हैं, तो मैं आपके लिए और भी आगे लेकर आऊँगी, बट अगर आप इसमें बोर फील होते हैं, आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी आगे। यस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शर्मा प्रीति पंकज एंड मैं अब मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।